दोस्तों, छोटी सी सर्दी, जुकाम या मामूली सी खांसी होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हर दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस से हर कोई परेशान है। तो दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। सबसे पहला, हेल्दी रहना। आज के समय में हर घर में योगा एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, काढ़े का सेवन किया जा रहा है, आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं, और ये सही भी है। आयुर्वेद के जरिए ही आप किसी भी रोग का जड़ से इलाज कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे फल के बारे में, ड्राई फ्रूट के बारे में, जिसे अगर आप डाइट में शामिल करते हो, जिसे आपको बेहतरीन गजब के फायदे मिलेंगे। आज हम बात करेंगे अंजीर खाने के फायदों के बारे में, और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको कोई बीमारी ना भी हो, है ना, कोई समस्या ना भी हो, तो इस कोरोना काल में अंजीर जरूर खाइए। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर करना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना हो, तो अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। अंजीर में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं। इसके अलावा भी अंजीर के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक एक करके जानते हैं अंजीर खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि अंजीर को आपको किस तरह से कंज्यूम करना है। अंजीर का सबसे पहला फायदा ये है कि ये कमजोरी को दूर करता है। जी हाँ, अगर घर पे कोई ऐसे सदस्य हो जिनको बुखार बीमारी की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई हो, शरीर सुस्त पड़ गया हो, जान नहीं है शरीर में, कुछ खा पी नहीं रहे हो, मुंह कड़वा लग रहा हो, इस वजह से कुछ खाते पीते नहीं है, है ना, तो उनको अंजीर खिलाइए। उनको अंजीर खिलाने से उनकी अंदरूनी ताकत बढ़ेगी, स्टैमिना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। इस कोरोना काल में अंजीर उन्हें जरूर खाना चाहिए जो बीमारी की वजह से कमजोर हो गए हों, है ना। जब बुखार होता है या फिर कोई बीमारी होती है तो शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम कुछ खाते पीते नहीं हैं ठीक ढंग से, मुंह कड़वा हो जाता है। तो अगर कोई भी परिवार में ऐसे सदस्य हों जिनको बुखार बीमारी की वजह से शरीर जिनका कमजोर हो गया हो, उन्हें अंजीर खिलाइए। उन्हें कैसे खिलाना मैं बताता हूँ। आप लगभग आधे गिलास पानी में अंजीर को भिगो दीजिएगा, भीगे हुए अंजीर को खिला दीजिए और पानी जो बचा हुआ उसे भी पिला लीजिए। अगर वो अंजीर को चबा चबा कर नहीं खा पाए तो अंजीर को मैश कर लीजिएगा, और मैश करके एक कप दूध के साथ इसे दे दीजिएगा। इसे खाने से क्या होगा, इसे खाने से सबसे पहला फायदा ये होगा कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी, इसके साथ साथ शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अगर कमजोरी की वजह से बिस्तर पकड़ लिए हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, लगातार 3 दिन के सेवन से ही कमजोरी चली जाती है, शरीर में ताकत बढ़ने लगती है, इस तरह से जरूर देख कर देखिएगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को 2 खिलाइए, और बड़ों को आप यहाँ पर 4 से 5 अंजीर रोजाना एक टाइम में खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन कमजोर है, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, तो अंजीर बहुत हेल्प करेगा इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अंजीर में अच्छी मात्रा में डायट्री फाइबर होता है। जब अंजीर का सेवन किया जाता है तो उसका फाइबर गुण पेट को साफ करने में मदद करता है, शरीर से मल आसानी से बाहर निकल जाता है। अंजीर में फाइबर होने की वजह से इसके सेवन से दस्त भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अंजीर जो है हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अंजीर में फेनॉल्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही अंजीर दोस्तों आपके वजन को बढ़ाता भी है और वजन को घटाता भी है। आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भीगे हुए अंजीर ऐसे ही खा लीजिए पानी के साथ। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में कमजोरी है, दुबलापन है शरीर में, तो आप उबले हुए दूध में अंजीर भिगो कर खाइए। दूध को बॉयल कर लीजिए और इसमें 3 से 4 अंजीर डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और सुबह अंजीर को खाकर दूध को पी लीजिए। इससे आपका वजन तेजी से बढ़ेगा और शरीर में जो कमजोरी है, आलस, थकान है, वो भी खत्म होगी। इसके अलावा अंजीर में दोस्तों फ्यूसिन नाम का एक एंजाइम होता है जो भोजन को सही प्रकार से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब भोजन सही से और सही समय पर पच जाता है तो खाए हुए भोजन का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलता है, न्यूट्रिशन शरीर को मिलता है। इसके अलावा अंजीर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अंजीर जरूर खाइए। इसमें विटामिन B6 होता है जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। सीरोटोनिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल कर मूड को अच्छा करता है। इसके अलावा अंजीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड और फाइटोस्टेरॉल जैसे गुण भी मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके साथ ही इसके अगले फायदे की बात की जाए तो ये एनीमिया से भी बचाता है। आपको पता ही होगा कि शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी अगर शरीर में रहे तो रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाती है, जिस वजह से बॉडी के सभी अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती, जो कि हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए कहा जाता है हेल्दी डाइट फॉलो करने को, जिससे बॉडी में कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो पाए।
अंजीर को अगर डाइट में शामिल करेंगे तो शरीर को तो आयरन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे शरीर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा अच्छी सेहत के लिए अंजीर का महत्व क्या है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी दूर करने में सक्षम है। अंजीर का फल पेट और ब्रेस्ट कैंसर को पनपने से रोकने में मदद करता है। अंजीर में फाइबर होने की वजह से पेट में जमा गंदगी को मल के रास्ते बाहर निकाल लेता है। साथ ही अंजीर में अनगिनत छोटे छोटे बीज होते हैं, इसमें अधिक मात्रा में म्यूसिन पाया जाता है और यही म्यूसिन पेट की गंदगी को एक जगह एकत्रित करता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अंजीर को कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का मुख्य सोर्स माना गया है। ये सभी तत्व शरीर की हड्डियों को मजबूत करते हैं, इसलिए हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को गठिया है, अर्थराइटिस है या फिर हमेशा बदन में दर्द रहता है, पैर कमर में हमेशा दर्द लगा रहता है ना, रात को सोते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, तो 15 दिनों तक लगातार दूध के साथ अंजीर का सेवन कीजिए। हाथ पैर में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में थकान, साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अंजीर वाला दूध बनाने के लिए आपको इसी तरह से उबले हुए दूध में 4 से 5 अंजीर डाल देने हैं, इसे रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह नाश्ते में आपको अंजीर को चबा चबा कर खा लेने हैं और दूध को भी पी लेना है। अगर आपको गठिया, अर्थराइटिस है, वात से संबंधित कोई भी रोग है तो इस दूध में आप चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सौंठ पाउडर मिला लीजिएगा, इससे वात संतुलित होगी और जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी अंजीर अच्छा होता है। अंजीर में पाया जाने वाला फाइबर और पोटेशियम दोनों मिलकर हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करके उसे बैलेंस बनाए रखते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसके बहुत से फायदे हैं। गुणों की खान है अंजीर, एंटीऑक्सीडेंट का मेन सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव के वजह से ही अंजीर शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म कर कई तरह की बीमारियों से बचाती है। अंजीर का एक और खास फायदा है, ये अंदरूनी कमजोरी को दूर करती है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। इसमें मैग्नीशियम और जरूरी मिनरल्स होते हैं जिसकी मदद से यौन क्षमता बढ़ती है। तो इसके लिए आप दूध के साथ या पानी के साथ किसी भी तरह से अंजीर लगातार कम से कम 60 दिनों तक खाइए, आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जो डायबिटिक होते हैं उन्हें मीठा खाने की मनाही होती है, मीठे की जगह पर मधुमेह रोगी जो हैं, डायबिटिक हैं, वे लोग अंजीर खा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, रोजाना 2 भीगे हुए अंजीर को डायबिटिक लोग खा सकते हैं, इससे उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि अंजीर में नेचुरल शुगर होता है जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात जान लीजिए कि अंजीर की तासीर जो है गर्म होती है, तो इस गर्मी के मौसम में आप दूध में भिगोकर या फिर पानी में भिगोकर ही सेवन कीजिएगा, है ना, और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 अंजीर का सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो, ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताइएगा, और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कौन से गाँव, कौन से शहर से देख रहे हैं आप, ये भी कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।